रसमतला ही वेलकम टू हिंदी चैनल फिजिक्स इन फोकस। आज के लेक्चर में हम बीटा पार्टिकल स्पेक्ट्रम की बात करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले हमने अल्फा डिके की बात की थी और अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रम को हमने डिस्कस किया था। अल्फा डिके एक्चुअल एक टू बॉडी प्रॉब्लम है। इसका मतलब यह है कि एक पेरेंट न्यूक्लियस से दो चीज़ें हमें मिली थी, एक डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल। लेकिन जिस वक्त हम बीटा पार्टिकल की बात करते हैं या बीटा डीके की बात करते हैं तो ये एक थ्री बॉडी प्रॉब्लम है। इसमें हमें जिस वक्त पेरेंट न्यूक्लियस डीके करता है तो तीन चीज़ें मिलती हैं, एक डॉटर न्यूक्लियस, उसके साथ बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव पार्टिकल, और साथ एक और पार्टिकल एमिट होता है जिसको न्यूट्रिनो कहा जाता है। इसके मुतालिक डिटेल से हम एक और लेक्चर में बात करेंगे। तो बहरहाल बीटा पार्टिकल एक थ्री बॉडी प्रॉब्लम है। इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर ये एक रेडिएटिव सोर्स है और इससे ये बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं तो इन बीटा पार्टिकल्स में एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है या बीटा पार्टिकल कितनी एनर्जी लेके चलता है। इसका आंसर यह है कि बीटा पार्टिकल के पास जीरो से लेकर मिनिमम से लेकर मैक्सिमम क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी तक एनर्जी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब यह है कि जीरो से लेकर क्यू वैल्यू तक एनर्जी की तमाम के तमाम वैल्यूज पॉसिबल हैं। अगर ऐसा है कि ऑल वैल्यूज ऑफ एनर्जीज आर इक्वली प्रोबेबल तो फिर जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा बीटा पार्टिकल स्पेक्ट्रम वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, दैट विल बी अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जबकि अल्फा पार्टिकल के केस में हमने देखा था कि हमें वहां पर एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हम कहते हैं जी कि हमारे पास कॉपर 64 है और कॉपर 64 का डिके होता है, 64 कॉपर 64 के डिके से हमें बीटा नेगेटिव एमिशन भी हो सकती है और बीटा पॉजिटिव एमिशन भी हो सकती है। हम देखते हैं कॉपर 64 बीटा नेगेटिव डिके या बीटा नेगेटिव एमिशन। इस केस में हमें जो ग्राफ मिलता है, अगर हम इस डायरेक्शन के अंदर देखते हैं एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स ये हमारे पास इस डायरेक्शन में है तो हमारा जो स्पेक्ट्रम आता है वो स्पेक्ट्रम ये है। इस वजह से इस स्पेक्ट्रम या ग्राफ का जो मैक्सिमा है वो यहां पे है और ये हमारे पास एंड वैल्यू ऑफ एनर्जी है। एंड वैल्यू ऑफ एनर्जी और अगर कॉपर 64 बीटा पॉजिटिव डिके होता है तो हमें जो ग्राफ मिलता है इसी वे से इस डायरेक्शन के अंदर एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल और इस डायरेक्शन के अंदर नंबर ऑफ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स और ग्राफ जो है वो हमारे पास इस वे से आएगा, ये ग्राफ आएगा। इस ग्राफ का मैक्सिमा यहां पे है, ये कॉपर 64 बीटा पॉजिटिव डीके है। इन दोनों में ग्राफ को अगर देखा जाए इन दोनों ग्राफ में एक डिफरेंस है। बीटा एक तो पहले ये बात देख लीजिए कि हमारे ये जो ग्राफ मिलता है इस ग्राफ के अंदर क्योंकि एनर्जीज की ऑल वैल्यूज आर प्रेजेंट जीरो से लेकर क्यू तक तो हम इस ग्राफ को स्पेक्ट्रम कह देते हैं।
वैसे स्पेक्ट्रम हम ये कहते हैं कि अगर वाइट लाइट है, वाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं और उसको एक स्क्रीन पे डाला जाता है, तो हमें वाइट लाइट के केस में 7 कलर्स मिलते हैं। वो स्क्रीन पे जो 7 कलर्स मिलते हैं उनको हम स्पेक्ट्रम कह देते हैं। अब उस स्पेक्ट्रम के अंदर क्योंकि एनर्जी की तमाम वैल्यूज होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जिस वक्त हम इस ग्राफ की बात करते हैं या इस स्केच को देखते हैं, इसके अंदर भी एनर्जीज की चूंकि तमाम वैल्यूज मौजूद हैं, इसलिए हम इस ग्राफ को स्पेक्ट्रम कह देंगे और ये बीटा पार्टिकल के केस में हमें मिला है। अब हम देखते हैं इन दोनों ग्राफ्स को, ये हमारा बीटा नेगेटिव डीके में मिला है, ये बीटा पॉजिटिव डीके के केस में मिला है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों ग्राफ्स के अंदर एक फर्क है कि बीटा नेगेटिव डीके के केस में जो ग्राफ मिला है इसका मैक्सिमम शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स लो एनर्जी, और बीटा पॉजिटिव के केस में जो हमें ग्राफ मिला है इस ग्राफ का मैक्सिमम शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स हाई एनर्जी। इसकी रीजन क्या है? यानी यहां मैक्सिमम शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स लो एनर्जी, यहां मैक्सिमम शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स हाई एनर्जी। कॉपर 64 बीटा नेगेटिव डीके के केस में होता यह है कि जिस वक्त एक पेरेंट न्यूक्लियस स्टार्टर न्यूक्लियस में चेंज हुआ और उसने एमिट किया है बीटा नेगेटिव पार्टिकल, ये डॉटर न्यूक्लियस था, यहाँ पे मौजूद था इलेक्ट्रॉन जो उसने एमिट किया बीटा नेगेटिव, इनके दरमियान एक अट्रैक्शन की फोर्स होती है क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस हैं नेगेटिव पॉजिटिव। इसकी वजह से दिस बीटा नेगेटिव पार्टिकल इज अट्रैक्टेड बाय द डॉटर न्यूक्लियस, इसकी वजह से ये स्लो डाउन हो जाता है और हम देखते हैं कि ग्राफ या स्पेक्ट्रम का मैक्सिमम शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स लो एनर्जी। लेकिन जिस वक्त हम कॉपर 64 बीटा पॉजिटिव डीके की बात करते हैं तो वहाँ पे ये अगर डॉटर न्यूक्लियस था बीटा पॉजिटिव, क्योंकि उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान एक रिपल्शन की फोर्स आती है, इस वजह से ये बीटा पॉजिटिव पार्टिकल ये स्पीड अप हो जाता है और उसके नतीजे में हम देखते हैं कि ग्राफ का मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स हाई एनर्जी साइड। ये कूलम्बिक इफेक्ट है जो यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। अगर इस कूलम्बिक इफेक्ट को निकाल दिया जाए तो हम देखते हैं कि इन दोनों स्पेक्ट्रम के अंदर बिल्कुल कोई फर्क नहीं आता, ये दोनों स्पेक्ट्रम जो है वो एक जैसे हैं। इस वक्त डिफरेंस जो अपीयर हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से है कि यहाँ पे कूलम्बिक इफेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। एक जगह पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है, दूसरी जगह पे फोर्स ऑफ रिपल्शन आ जाती है, एक जगह पे पार्टिकल जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, दूसरी जगह पार्टिकल जो है वो स्पीड अप हो जाता है, और हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रम के जो मैक्सिमा है वो शिफ्ट कर जाते हैं टूवर्ड्स लो एनर्जी साइड और टूवर्ड्स हाई एनर्जी साइड। अब हम एक और स्पेक्ट्रम देखते हैं, वो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है इन केस ऑफ सीजियम 137। इसके स्पेक्ट्रम को अगर देखा जाए एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, सीजियम जो है ये बीटा नेगेटिव एमिटर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हमने एनर्जी की बात की और वर्टिकल डायरेक्शन में हमने नंबर ऑफ बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स को देखा। इसमें हमें जो ग्राफ मिलता है वो ग्राफ कुछ इस तरह है। ये ग्राफ है और इसमें अगर देखा जाए हमें दो स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं, ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है जिसमें एनर्जीज की तमाम वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे हमें डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी मिल रही है, हम इसको के पीक कहते हैं, ये हमारे पास एल पीक है और ये हमारे पास एम पीक है। ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी मिल रहा है और इसके साथ ही हमें यहाँ पे एक डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जीज वो भी मिल रहा है। यहाँ तक तो ये अगेन कंटिन्यूस है, लेकिन ये शार्प पीक्स भी आ रही हैं, के पीक, एल पीक, एम पीक, ये एक थोड़ा सा और तरह का बिहेवियर है। अब ये बिहेवियर हमें क्यों मिल रहा है, इसको रेफर किया जाता है यहाँ पर, ये बिहेवियर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जिसके अंदर 0 से लेकर
क्यू तक तमाम एनर्जीज की वैल्यूज़ हैं। ये तो इस वजह से है कि अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस था, इस पेरेंट न्यूक्लियस ने एमिट किया है एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल, डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हुआ। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, जो बीटा नेगेटिव पार्टिकल न्यूक्लियस से एमिट हो रहे हैं, उनकी एनर्जीज का एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। और जहाँ तक हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, तो ये उन बीटा पार्टिकल्स की वजह से है जो न्यूक्लियस से एमिट हो रहे हैं। लेकिन ये जो डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी मिल रही है, ये कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, ये शार्प पीक्स जो आ रही हैं, ये शार्प पीक्स इंटरनल कन्वर्जन की वजह से हैं, ड्यू टू इंटरनल कन्वर्जन। अब हम देखते हैं कि इंटरनल कन्वर्जन क्या है। हम कहते हैं जिस वक्त सीजियम-137 ये पेरेंट न्यूक्लियस था, ये चेंज हुआ डॉटर न्यूक्लियस बेरियम-137 में। अब बेरियम अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है, बेरियम एक्साइट डी एक्साइट करके दो तरह से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। एक तो वो ये कर सकता है कि डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाए और गैमा रेडिएशन जो है वो एमिट कर दे। लेकिन दूसरा ये हो सकता है जो यहाँ हो रहा है और इसी वजह से हमें इस तरह का स्पेक्ट्रम मिल रहा है, वो ये है कि इंटरनल कन्वर्जन हो जाए। इंटरनल कन्वर्जन कैसे होती है? हम कहते हैं कि हमारे पास ये डॉटर न्यूक्लियस था, ये एक्साइटेड स्टेट में था, इसने अपनी ग्राउंड स्टेट में आना है। अपनी ग्राउंड स्टेट में ये इस तरह आएगा कि जो एक्सेस एनर्जी इसके पास थी, जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं के शेल, एम शेल, एल शेल, एम शेल के, सपोज ये अपनी एक्सेस एनर्जी दे देता है के शेल के इलेक्ट्रॉन को, तो के शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से नॉकआउट होगा। अब यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी, जब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए एल शेल से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करके के शेल में आएगा और एक्सेस एनर्जी जो है वो एमिट कर देगा। तो इस केस में हमें के शार्प पीक मिल जाएगी। लेकिन अगर एक्सेस एनर्जी के शेल के इलेक्ट्रॉन को नहीं जाती, बेरियम 137 अपनी एक्सेस एनर्जी दे देता है एल शेल के इलेक्ट्रॉन को, तो अब वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी एल शेल में। अब एम शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइट करके एल शेल में आएगा, तो हमें एल शार्प पीक मिल जाएगी। अगर इसी तरीके से हम एम शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है और फिर हाई एनर्जी स्टेट से कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करके लो एनर्जी स्टेट में आता है, तो हमें एम पीक मिल जाएगी। अब हमें पता है कि के शेल और एल शेल का एक खास एनर्जी का डिफरेंस है, इनकी एनर्जी की एक डिस्क्रीट वैल्यू है, तो हमें एक खास एक शार्प पीक मिलेगी जिसमें एनर्जी की एक टिपिकल वैल्यू होगी। नॉट ऑल वैल्यूज ऑफ एनर्जीज आर पॉसिबल, यही केस एल और एम इन दोनों के केस में होता है। तो हम देखते हैं कि हमें कुछ शार्प पीक्स, टिपिकल पीक्स मिलती हैं, हमें एनर्जी की तमाम वैल्यूज नहीं मिलती। और इसमें एनर्जी ऑफ कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन थे इस वजह से जो एमिट हुए हैं, इनको हम कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस प्रोसेस को हम इंटरनल कन्वर्जन का नाम दे देते हैं। और इनकी कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो होती है टोटल एक्सेस एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, उसमें से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो हमारे पास एनर्जी ऑफ कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। और अब इसकी एक यूनिक वैल्यू है, पस स्पेक्ट्रम में हमें यूनिक पीक्स मिलती हैं के एल एम। याद रहे कि हमारा ये जो प्रोसेस था, ये न्यूक्लियस के अंदर से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इस वजह से मिला है, या ये उन बीटा पार्टिकल की वजह से मिला है जो न्यूक्लियस के अंदर से एमिट हुए हैं। लेकिन ये हमें जो शार्प पीक्स मिल रही है, डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी को जो शो कर रही है, ये उन इलेक्ट्रॉन की वजह से हैं जो न्यूक्लियस के बाहर से आए हैं, जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन जो थे वो एमिट हुए और उनकी एमिशन से हमें ये शार्प पीक्स मिलती हैं। इसका मतलब यह है कि इंटरनल कन्वर्जन से न्यूक्लियस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारा प्रोसेस न्यूक्लियस के बाहर हो रहा होता है।